Assalamualaikum students, how are you all? Hope so you are fine. It's your chemistry class, chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Today's topic is elements. Elements की हमारे पास दो definitions हैं. First जो है वो old concept है और उस old concept को revise कर एक modern concept दिया गया है. Old definition of elements, old concept क्या है? Old concept में scientists ये सोचते थे कि एलिमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंस हैं और ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से यानी उनकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. किसी भी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस को लेकर हम अगर उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करना चाहें तो हम उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते. कि अगर वो कॉम्प्लेक्स हैं हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहें और उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते. लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो एलिमेंट्स की वो इससे थोड़ी चेंज थी. इसमें यह था कि एलिमेंट्स होते तो सब्सटेंस हैं लेकिन इनकी जो है वो ये बनते कैसे हैं कि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं यानी होमो एटम्स होते हैं इनमें. अगर हेट्रो एटम्स आएंगे तो ये एलिमेंट्स नहीं होंगे. होमो इन सेम तो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं इसलिए हम एलिमेंट्स को कहते हैं कि ये होमो एटॉमिक हैं. इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और इनको हम जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू. अगर हम इनको जो है वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना चाहें तो इनकी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.